दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ डांसिंग से बल्कि अपनी एक्टिंग से भी हर किसी को अपना दीवाना बनाते आए हैं। जिन्होंने अपने एक्टिंग और डांसिंग से फिल्मों में हर तरह के किरदारों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं अपने दौर के मशहूर अभिनेता रहे दिलीप कुमार, जिन्हें लोग उनकी सादगी वाले अभिनय के लिए आज भी याद करते हैं। उनकी फिल्में उस दौर की सबसे हिट फिल्में मानी जाती रही हैं, जिनमें उन्होंने अपने हर अंदाज से लोगों का दिल जीता है। यही वजह है कि आज इन अभिनेताओं को बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बल्कि इनके बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको इनके कनेक्शन को लेकर कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस दमदार कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक दमदार अभिनेता रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। जहां आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में नाम बनाया है, और कई कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिन्हें उनके एक्टिंग करियर विरासत में मिली है। लेकिन मिथुन दा एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते में अपना नाम बनाया है, और यही वजह है कि आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, मिथुन दा को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक रहा है। जहां उन्हें 60-70 के दशक के मशहूर अभिनेता रहे दिलीप कुमार की फिल्में बहुत पसंद थी, और वे शुरू से ही कहते हैं कि मैं दिलीप कुमार की तरह बनना चाहता हूँ, और उनकी फिल्में देखना वे बेहद पसंद करते थे। उनकी फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर लगती थी तो मिथुन दा सिनेमा घरों में देखने जाया करते थे, और वे कहते कि मैं भी एक दिन इनकी ही तरह एक और बेहतरीन कलाकार बनकर दिखाऊंगा, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। और एक समय ऐसा वक्त आया है जब मिथुन चक्रवर्ती को एक्टिंग करने का मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगलिंग कर मिथुन दा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बने। जहाँ मिथुन दा ने साल 1976 मृग्या से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी, और उसी साल दिलीप कुमार की फिल्म बेराग रिलीज भी हुई थी, जिसमें दिलीप कुमार के अपोजिट अभिनेत्री सायरा बानो और लीना चंदावरकर नजर आई थीं। जब दिलीप कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म में मिथुन दा की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया, जिसे डायरेक्टर मदन लाल सेन द्वारा डायरेक्ट किया गया था। लेकिन इस फिल्म के बाद साल 1982 में मिथुन दा की डिस्को डांसर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, और इसके बाद मिथुन दा बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन गए। इसके बाद इन्होंने हमसे है जमाना पसंद, अपनी अपनी प्यार झुकता नहीं और शौकीन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, और इन फिल्मों के दौरान इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इतनी मेहनत के बाद इतना बड़ा नाम बन चुके हैं, तो आप किसे अपना आइडल मानते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं 60-70 के दशक के बेहतरीन अभिनेता दिलीप कुमार का फ़ैन हूँ, जब भी मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा। और ये बात जब दिलीप कुमार को पता लगी तो वह खुद चलकर मिथुन दा से मिलने आए, और तब से इनकी गुरु शिष्य की जोड़ी आज तक बनी हुई है। और जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों में वही प्यार आज भी बरकरार है। जहाँ मिथुन दा ने दिलीप कुमार को अपना गुरु अपना भगवान मानकर मिथुन ने बॉलीवुड में कदम रखा था, और आज इनकी गुरु शिष्य वाली जोड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप कुमार के गुरु चेला का ये कनेक्शन जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।